हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस तरीका का पाइप का फेस अगर दोनों साइड ख़राब हो और हमको एक पाइप इसमें से लेंथ निकालना है जिसका फेस बराबर कटिंग होना चाहिए, तो कैसे कटिंग करेंगे इसी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड, आप क्या करेंगे कि इस तरीका का एक लंबा कार्डबोर्ड कटिंग करेंगे। अगर छोटा स्मॉल बोर पाइप है, मान लीजिए 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच तक अगर पाइप है, तो आप कार्डबोर्ड के जरिए जो कूट आता है, जो एक पतला वाला पेपर आता है ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए, तो वो पेपर से भी आप मार्किंग कर सकते हैं। उसको आप क्या करेंगे, कटिंग करके लंबा एक कम से कम 100 या 200 mm चौड़ा होना चाहिए। अगर 6 इंच 8 इंच का है, 100 mm भी चौड़ा अगर आप ऐसे रखते हैं, और लंबाई आप सीएफ के हिसाब से रख लीजिए, इंच के हिसाब से कितना आपको लंबा चाहिए कि आपको पूरा पाइप में राउंडिंग में इस तरीके से पकड़ में आ जाए। इस तरीके से हम पाइप में लगा करके और मार्किंग कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपको पेपर नहीं मिल रहा है, कार्डबोर्ड अगर नहीं मिल रहा है, तो प्लांट के अंदर देखे होंगे कि कोई कोई मटेरियल आता है पैकिंग करके लकड़ी के बॉक्स वगैरह में, तो उसमें बाहर साइड में एक स्टील का पट्टी लगा हुआ रहता है प्लांट के अंदर, या कहीं भी आप ढूंढ सकते हैं उसको। या अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसको मंगा सकते हैं किसी के, अपना से पूरा ये फोरमैन के बोल करके हमको मार्किंग करने के लिए एक पट्टी चाहिए, तो वो कहीं से ना कहीं से तो ला के देगा। तो वो स्टील का पट्टी 30 mm का चौड़ा होता है, उसको आप इसी तरीका का फोल्ड बना करके और आप पाइप में मार्किंग इस तरीका से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि एक साइड आप पाइप में इस तरीका से मार्किंग करके और उसको कटिंग कर लीजिए, और उसको बराबर ग्राइंडिंग वगैरह करके फेस को 90 डिग्री कर लीजिए। उसके बाद दूसरा मार्किंग करिए अपने पाइप के लेंथ के हिसाब से, मतलब जब ये पाइप कटिंग हो जाएगा, ग्राइंडिंग वगैरह हो जाएगा, 90 डिग्री में हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से टेप से हम चेक करेंगे अपना लेंथ कितना हमको चाहिए, उतना दूरी पर 3-4 जगह मार्किंग करके, और फिर हम एक बार और मार्किंग कर लेंगे। तो वो क्या होगा कि आसानी से आपको बराबर 90 डिग्री मिल जाएगा, थोड़ा इधर उधर आउट नहीं होगा। पहला वाला जो हम कटिंग करेंगे, थोड़ा हो सकता है कि 10 mm तक का भी अगर आउट होता है, तो आप ग्राइंडिंग में मेंटेनेंस कर लेंगे। उसके बाद जब आप दूसरा वाला जब मार्किंग करेंगे, तो वो आप इस कटिंग के हिसाब से आप यहाँ पे मार्किंग करेंगे, तो वो आपको आउट नहीं होगा, बिल्कुल सीधा कटिंग हो जाएगा। और पाइप का लेंथ अगर आप कटिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ड्राइंग में दे दिया है कि 2 मीटर आपको लगाना है, तो आप बिल्कुल 2 मीटर ही मार्किंग करिए, क्योंकि ग्राइंडिंग और कटिंग करते करते क्या होता है कि 2-3 mm जो है छोटा हो जाता है पाइप। क्योंकि जब हम ज्वाइंट करते हैं, तो मान लीजिए कि दोनों साइड में आपका ज्वाइंट आ रहा है, तो उसमें 4 mm 4 mm गैप जो है देना पड़ता है, तो 2-2 mm जो है दोनों साइड पाइप आपका छोटा होना चाहिए, तब जाके आप 4 mm का गैप आप दे पाएंगे पाइप के ज्वाइंट में। आपको जितना लेंथ दिया है ड्राइंग में, अगर 2 मीटर दिया है, तो 2 ही मीटर कटिंग करिए आप। ग्राइंडिंग मशीन से उसको मेंटेनेंस करिए आपको कि कितना आपको चाहिए। डायरेक्ट आप कटिंग सेट से उतना माइनस कटिंग मत करिएगा, वरना ग्राइंडिंग करते करते पाइप और छोटा हो जाएगा, क्योंकि ग्राइंडिंग करने में 2 से 3 mm माइनस में चला जाता है। हमेशा ध्यान रखना है कि 2 से 3 mm माइनस में जाता है ग्राइंडिंग वगैरह करने में, इसको सीधा करने में, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा, इस तरीका से लाइक बटन नीचे उसे आप दबा कर हमको बताइए, और इस तरीका से एक रेड बटन होगा नीचे सब्सक्राइब का, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल जाए।